सो गाइस आज आप लोगों के साथ में अपना नवरात्रि का आज लास्ट डे है, अष्टमी और नवमी दोनों ही है आज। आज बहुत स्पेशल डे है, चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए। तो मैं रेडी शेडी हो गई हूँ और इस बार ना मैं साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि ना साड़ी में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनी और ये सिंपल सा एक सूट डाल दी हूँ। और ये न्यू सूट, क्योंकि मुझे आज खुशा भी भरना है तो न्यू सूट दे दी हूँ, क्योंकि मैंने इसको कल ही ऑर्डर करी और कल ही ये आया है, इसलिए मैं ये कलर दी हूँ, वरना मैं रेड या येलो पहन के खुशा भरती हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, इसलिए ये कलर पहन के। कोई नहीं, मन का मतलब मन पवित्र होना चाहिए, भगवान जी सब समझते हैं। तो कल ऑर्डर करी हूँ और कल ही ये आया है, तो इसलिए मैं ये कलर पहनी हूँ, तो मैं रेड और येलो पहन के ही खुशा भरती हूँ। कोई नहीं, न्यू है, न्यू ड्रेस होना चाहिए। और साड़ी नहीं पहनी इस बार, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है साड़ी पहन के, इसीलिए चलिए पूजा कर देते हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या, भाग दौड़ ज्यादा होती है ना, अकेले सब संभालना पड़ता है, इसीलिए साड़ी आज नहीं पहनी मैं। तो मैं लगी हूँ पूजा की तैयारी में, पूजा करूंगी और उसके बाद आएगी कंचन। कंचन बोलते ना हमारे यहाँ पर, कन्या बोलते हैं, तो कन्या को आज मैं ना फर्स्ट टाइम खिलाऊंगी, तो मैं 5 कन्या और लाई हूँ, तो आज उनको खिलाऊंगी फर्स्ट टाइम लाइफ में। तो चलिए देखते हैं और कैसे क्या संभालती हूँ आप लोगों के साथ, सारा कुछ शेयर करूंगी। पूजा का सारा तैयारी कर दी थी और जैसा कि आप लोगों को बताया कि अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है और बहुत भाग दौड़ होती है, और कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि लास्ट एंड में करना होता है हमें, जैसे कि नेल पेंट और ये अलता होता है। नेल पेंट तो मैं पहले भी कर देती हूँ, बट जो ये अलता होता है ना उसको लास्ट मोमेंट में लगाते हैं, क्योंकि ये अलता निकल जाता है। अगर मैं पहले लगा देती और चावल देने के लिए जाती तो ये निकल जाता है, इसलिए ये रह गया था और ये छूट गया था एक्चुअली। मतलब मैं नहा धो के आई हूँ, पूजा पाठ का सब कुछ तैयारी कर दी हूँ, तब मुझे याद आया कि वो माई गॉड, मैं अलता भी नहीं लगाई हूँ और पायल भी नहीं पहनी हूँ, तो मैं सब कुछ वहीं रख के आ गई हूँ और अलता लगाऊंगी, पायल पहनूंगी, उसके बाद जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। तो होता है यार, अकेले जब आप मैनेज करो ना तो बहुत कुछ हो जाता है, मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। और इस बार तो एक और मतलब कन्या को खिलाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात है, जो मैं कभी मतलब सोची थी तो हो ही नहीं रहा था कि कैसे खिलाऊँ क्या खिलाऊँ, मुझे कोई आइडिया ही नहीं लग रहा था। इसलिए ना मैं आज तक कभी कन्या को खिलाई नहीं थी, आज मैं फर्स्ट टाइम कन्या को खिलाऊँगी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब माता रानी का ना कृपा मेरे ऊपर बन गया है, तो ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो बहुत ही भाग्य वाली, बहुत ही सौभाग्य से ना कन्या को खिलाने को मिलता है, तो इसीलिए मैं भूल गई थी। और अभी मैं अलता भी लगाई हूँ, पायल भी पहनी हूँ, अब मैं करूँगी पूजा। सो गाइस मैं पूजा ये सब कर रही हूँ घर में और अब जा रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि ना कन्या को मैं बोली थी, आंटी को मतलब मेड आंटी जो है ना मेरी, उसको भेज देने के लिए, बट कन्या अभी तक आई नहीं है। तो देखती हूँ पार्क में जाके अगर होंगे ना तो वहाँ से लेके आऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, लिफ्ट आए तब तो, लिफ्ट का ही यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पार्क में मिल जाती है, तो आंटी तो भेज दी थी, हो सकता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को फ्लैट नंबर नहीं याद होगा। सो गाइस फाइनली मुझे कन्या मिल गई है और सच में मुझे लग रहा है आज मैं बहुत लकी हूँ, मुझे बहुत मतलब उम्मीद मेरी ना टूट गई थी कि कन्या कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी, बट पार्क गई हूँ ना तो पार्क में मुझे कन्याएं जितनी है ना साड़ी मिल गई है। वैसे मेरी इच्छा थी मतलब 7 कन्या को खिलाने की, बट यहाँ मुझे 5 ही मिली, कोई नहीं, माता रानी की जो इच्छा होती है ना वही होता है, तो 5 कन्या मिली है और एक भैरव को, मतलब भैरव बोलते हैं उनको खिलाता है, मतलब एक जो छोटा लड़का होता है ना उनको खिलाते हैं, तो ये भी मुझे मिल गया है, तो बहुत ही भाग्य से मुझे मिला है। तो मैं इन लोगों के लिए आई हूँ और ये लोग देखिए कितना मस्ती कर रहे हैं, और ये जो किड्डू और सॉफ्टी है ना, इन दोनों को देखिए, छोटी जो है ना कन्या, ये बहुत खुश थी, बहुत खेल रही थी, और ये मैं कैमरा यहाँ लगा के चली गई थी, इन लोगों की बदमाशी यहाँ स्टार्ट है। तो बस चलिए मैं खुशी खुशी, मतलब बहुत ही आज मेरा मन प्रसन्न है आज। मैं आज तक देखते आई हूँ कि कन्या को सबसे पहले अलता लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसके बाद खोइंछा देते हैं। तो मैं ये जो दे रही हूँ ना रुमाल में, ये खोइंछा है जिसमें होता है चावल होता है, पैसा होता है, दुब्बी होता है और हल्दी होता है। और हल्दी में मैं कन्फ्यूज हूँ, हल्दी होता है कि नहीं होता है इन कन्याओं में, बट मैं डाल दी थी क्योंकि मुझे ना, मैं अपने सासू माँ से सारा कुछ पूछ के करी हूँ, जितना भी कुछ है ना मैं बिना सासू माँ के पूछे नहीं करती हूँ, बट ये बात मैं पूछना ना भूल गई कि जो कन्या का खोइंछा होता है ना उसमें हल्दी डाला जाता है कि नहीं, तो मुझे अब टाइम नहीं था ये पूछने का, तो मैं डाल दी हूँ, अगर गलत गलत हुआ हो मेरे से तो भगवान जी क्षमा करना मुझे। तो ये खोइंछा दे दी हूँ, मैं अलता लगाई हूँ, बिंदी लगाई हूँ, उसके बाद जो भोजन था वो मैं करा रही हूँ यहाँ।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पूजा हो रहा है यहाँ, जोर से बोलो जय माता दी। छोटी छोटी कन्या का रूप धर के, छोटी छोटी कन्या का रूप धर के, आके भाग जगाओ मैया मेरे घर के, छोटी छोटी कन्या। सो गाइस, कन्या पूजन हो गया, अच्छे से निपट गया। मतलब इस बार ना मैं फर्स्ट टाइम खिलाई हूँ, इससे पहले मैं कन्या पूजन कभी नहीं करी थी। तो मैं बहुत, मतलब जब दिल्ली में थी ना, तभी से मैं सोच रही थी कन्या पूजन करूँ करना। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मम्मी लोग को देखती थी और क्या करती थी मम्मी लोग उस टाइम, मुझे कुछ वो नहीं था। तो जब शादी हुई, उसका जॉब करने के लिए चली गई, वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं था क्योंकि गैंगटॉक में ये सब नहीं होता है। तो जॉब करने के लिए गई तो वहाँ सिर्फ पूजा करती थी और पंडाल ये सब कुछ नहीं लगता था वहाँ, तो वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कन्या पूजन का कोई बात ही नहीं हुआ। और फिर जब शादी हुई तभी से मुझे था कि कन्या पूजन करूँ, कन्या पूजन करूँ, बट कोई आइडिया नहीं था कन्या पूजन कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो होते 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 तो काफ़ी टाइम निकल गया और मैं यहाँ शिफ्ट कर गई। उसके बाद फिर सबको देखती थी कन्या पूजन करते हैं, बट बुलाते कहाँ से हैं मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इसलिए ना कहाँ मिलेगी, किसको बुलाऊँ, किसको बोलूँ, कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए मैं कन्या पूजन नहीं करती थी। तो इस बार बोली कि जो जैसे होगा, मैं तो होता है ना मन में कि नहीं इस बार करूंगी, तो वो ठान ली। और जैसे ही ठान ली ना, सच में भगवान बोलते हैं हाँ, मतलब भगवान समझ गए कि नहीं इसको करना है इस बार। और इस बार सब कुछ अच्छे से हो गया। कन्या ये सब खा के चली गई, काफ़ी देर हो गया। और मैं बैठ के क्या, क्यों यहाँ बैठी हूँ और किसका इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड का इंतजार कर रही हूँ और मुझे जाना है मंदिर। तो मंदिर तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी दूर है। तो और पता है जिस मंदिर में मैं जो ख्वाहिश भरती थी ना और सब साल में, वो तो काफ़ी दूर है, उसमें तो पैदल जाने का तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए उस मंदिर जाना तो दूर की बात, जो मैं पास वाले मंदिर में जाती थी ना वहाँ भी नहीं गई हूँ। तो बस बैठी हूँ हस्बैंड के इंतजार में कि हस्बैंड का आज ना उन लोगों का, कल जैसे बताई आप लोगों को, मैं बताई थी शायद कि कल और परसों छुट्टी है, आज छुट्टी नहीं है। तो मैं बोली थी कि ऑफ ले लेने के लिए, तो बोले घर से काम कर दूंगा। बट क्या होता है ना कि वर्क फ्रॉम होम में भी होता ही है यार, मतलब ऑफिस रहता है तो ऑफिस का टाइमिंग होता है। तो उनका आज सुबह से कॉल पे कॉल चल रहा है। तो अब फ्री होंगे उसके बाद में मंदिर जाऊंगी, इसलिए बैठ के इंतजार कर रही हूँ कि कब मंदिर जाऊंगी। और टाइम काफ़ी हो गया है। तो एक तो कन्या, मतलब कन्या जो मेड आंटी को बोली थी भेजने के लिए, वो भेजी और वो कन्या सब आई नहीं, उसके इंतजार में टाइम गया बहुत। उसके बाद फिर देखी नहीं आई, फिर मैं गई खुद बुलाने के लिए, पार्क गई। तो पार्क से मतलब कन्या लेके, मतलब कन्या की जो मम्मी लोग होती है ना बैठी हुई होती है पार्क में, तो वो लोग लेके आ जाती है। तो मैं बोल के आई, तो शायद मैं पार्क जा रही थी तभी मैं वीडियो बनाई, हाँ वहाँ पहुँच के नहीं बनाई क्योंकि मुझे तुरंत मिल गई थी। तो वो बोली मैं लेके आती हूँ, और वो आने में फिर टाइम लगा दी। और होते 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 कन्या पूजन में भी काफ़ी टाइम लग गया, अब तो काफ़ी लेट हो गया। तो यहाँ ना कन्या मिलने में ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ना मैं कन्या पूजन नहीं करती, मतलब नहीं करती थी। और इस बार फर्स्ट टाइम की, और इस बार भी वही हुआ जिस कारण नहीं करती थी। मिल तो गई इजली, बट काफ़ी लेट हो गया। तो कन्या पूजन अच्छे से हो गया है, अब मंदिर जाऊँगी। मंदिर में खोज नहीं भरी हूँ, घर में तो भर के सुबह ही हो गया था घर में सब कुछ, बट मंदिर अभी तक नहीं गई हूँ। तो मंदिर जाऊंगी और खाने ऐसे मैं सुबह ही बना ली थी, तो मंदिर जाऊंगी, खोए से बढ़ूंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी पीऊंगी, पानी तक नहीं पी हूँ नहाने के बाद। तो देखती हूँ हस्बैंड का कब मीटिंग खत्म होता है, जिससे मीटिंग खत्म होगा उसे लेके। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ना, मतलब आज पूजा खोइछा भरूंगी ना, तो होता है कि हस्बैंड के साथ जाऊँ तो वही अच्छा लगता है, नहीं तो अकेले भर के आ जाओ ना और प्रणाम मतलब घर से ही कर देते तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं हर एक बार ना हस्बैंड को बोलती हूँ कि छुट्टी दे देने के लिए, बट इस बार इतना अर्जेंट उनके ऑफिस में चल रहा है ना, मतलब ऐसा वो हो रहा है ना, मतलब एकदम पैक है, एकदम ही पैक है, उनको एकदम ही छुट्टी नहीं है, मतलब क्या बोलूँ अब। तो इसीलिए छुट्टी नहीं दिए कि कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, इसीलिए तो एकदम ही पैक चल रहा है उन लोग का शेड्यूल, तो इसलिए छुट्टी नहीं दिए, बोले मैं घर से कर लूँगा और हो जाएगा। और होते होते बैक टू बैक उनका मीटिंग चल रहा है सुबह से। थोड़ा बहुत कन्या पूजन जब था तभी मैं बुलाई थी कि मतलब आगे प्रणाम ये सब कर दीजिए, कुछ डाल दीजिए। तो उस टाइम में आए थे थोड़ी देर के लिए और फिर चले गए मीटिंग के लिए, उनका कंटिन्यू मीटिंग चल रहा है। तो मीटिंग ख़त्म होगा उसके बाद ही हम जाएंगे मंदिर, देखती हूँ कब तक होता है। और इस बार ना कहीं भी नहीं गई, कुछ नहीं, ना पंडाल देखी, ना कहीं, ना कुछ नहीं। देखती हूँ आज शाम में भी, अभी तो अब इतना टाइम हो गया है, अभी पता नहीं अब रात में जा पाऊँगी कि नहीं, देखती हूँ जो जैसे होगा देखते हैं। अकेले ना कहीं जाना अच्छा नहीं लगता है, मतलब इस सब उसमें अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कहीं जाती नहीं अकेले।
बाकी मार्केट वार्केट तो अलग बात है, वहाँ भी मैं अकेले से नहीं जाती, लेकिन फिर भी ये पंडाल ये सब देखने के लिए अकेले ना मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। अच्छा कौन सा चप्पल? सो गाइस फाइनली पतिदेव को मिल गया छुट्टी, जा रही हूँ मंदिर। सब लोग ए सी ऑफ कर रहे हैं, सब ले ली हूँ इसमें और जा रही हूँ मंदिर। सब ले ली ना, सब ले ली। पर्स दिया आप? एटीएम कार्ड, श्रृंगार का सब ले ली हूँ। हाँ सब ले ली हूँ। चलिए चलते हैं मंदिर, बहुत लेट हो गई हूँ। क्या एसी अंदर वाले रूम बंद किए? ठीक है चलिए 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 चलिए। हाँ वो थोड़ी देर में बंद होता है, कल मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज हो रही थी। हाँ क्या है क्या है क्या है? गरम है, आप तो बोले ना छुट्टी दे दे। हाँ सो तो है, और अभी फिर कैसे जाएंगे? मुझे तो उसी का लग रहा है घर जो जाना है। सो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया कि मैं मंदिर जा रही हूँ। अब काफ़ी लेट हुई थी। अजी बाबू कैसे घर जाना है तो कैसे करेगा? मैंने जा गया। अच्छा यहाँ भी कुछ बढ़ रहा है भंडारे का। अच्छा वो चल रहा है इसीलिए इतना हुआ है। तो गाइस मंदिर तो पहुँच गई हूँ, बट मंदिर में बहुत ज्यादा ही भीड़ है। यहाँ आज कुछ बन भी रहा है, पूरी कचौड़ी सब खुला है, रास्ता भी बंद कर रखा है। हो गया अच्छे से पूजा पाठ और अब जा रही हूँ अब जा रही हूँ मैं घर। मेरी तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मेरे में इंजन है क्या? तेरे वजन से और लग लेगा। कन्या सब जा रही है, कन्या सो का ही बाहर है। चलिए पूजा पाठ अच्छे से हो गया। और ये बहुत डिस्टर्ब करता है, यहाँ जो टिश्यू में लगा के रखी हूँ ना। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर और अच्छे से पूजा पाठ सब निपट गया। अब खाना भी सुबह ही बना रही थी, बस अभी चावल बनाऊंगी। वो माय गॉड ये ना फंस गया इसमें, अभी बस चावल बनाना है मुझे। तो मैं चावल इसलिए भी बनाई थी ना कि क्या खाएंगे, पूरी और मतलब आज ना पूरी छोला हलवा और खीर खाते हैं, बट मैं हस्बैंड पे छोड़ दी थी क्या खाएंगे, चावल खाएंगे पूरी खाएंगे, तो बोले मैं चावल ही खाऊंगा रात में पूरी खा लूंगा, तो इसलिए मैं अभी चावल बना रही हूँ। सो गाइस
पूजा का तो मैं ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाई, बट आज ना लास्ट डे था और बहुत ही स्पेशल था, इसीलिए मैं सोची चलो ब्लॉगिंग कर लिया जाए। तो मैं आज ब्लॉग बनाई हूँ, जैसा बना है जो बना है, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। जो भी चैनल पे न्यू होंगे, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और हाँ, जो भी रिचुअल्स थे, कुछ उल्टा होगा कुछ सीधा होगा कुछ, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ मुझे मतलब फर्स्ट टाइम की हूँ, तो अपनी सासू माँ से भी पूछी हूँ, जितना जैसे जो मुझे बताई है सासू माँ मैं उस हिसाब से करी हूँ। तो सबकी नज़र में अपना अपना वो होता है, तो कुछ कमी होगी कुछ ज़्यादा होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। और आप लोग क्या कैसे करते हैं वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं आ गई हूँ घर और ये खाना ये सब तो सुबह बना ली थी, बस अभी राइस बनाना है और बहुत तेज़ भूख लगी है गाइस, आज सच बोल रही हूँ, मतलब काफ़ी लेट हो गया, इसीलिए मैं सोची अब चलो फटाफट करती हूँ। और होता ही है, मतलब कोई पूजा पाठ होता है और अकेले संभालना होता है तो लेट तो होना ही है, तय है ये, कितना भी सुबह आप उठ जाओ। और ये देखिए आज किचन का ना कुछ इस तरीके का हाल है, क्योंकि मैं जो मतलब मंदिर रखी हूँ ना वो किचन में ही रखी हूँ, और स्पेस जो है ना मेरे किचन में बहुत ज़्यादा है, बट ना अजीब तरीके का वो स्पेस है, मतलब पूरा किचन आपको ना फैला फैला नज़र आएगा कहीं भी कुछ रखो तो। तो बस वही सब, और ऐसे ही पूजा पाठ में थोड़ा सा किचन फैल ही जाता है, तो उस साइड जो आप लोग देख रहे हैं ना वो सारा मैं पूजा कर रखी थी, इसलिए उतना फैला हुआ नज़र आ रहा है। तो सब पूरे किचन को मैं समेटूंगी, और भूख बहुत तेज़ लगी है, टायर्ड भी बहुत हो गई हूँ, बट बिना किचन समेटे आप लोगों को पता है कि मैं मतलब मुझे ना शांति नहीं मिलती है, जब तक मेरा किचन क्लीन ना हो जाए एकदम तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। तो मैं उधर ना राइस बनने के लिए डाल दी हूँ, और इधर अपना किचन भी तब तक क्लीन कर लूँगी, तो और उसके बाद ही मैं खाऊँगी, जितने भी मुझे भूख लगी हो, मैं गंदा किचन देख के ना खाने के लिए नहीं बैठ सकती। और ये सब देखिए सब बच गया था, जो कंचक खिलाने के लिए मैं लाई थी वो सब बच गया, तो फ्रिज में रख दूंगी, और शाम को आंटी आएगी तो आंटी को भी कुछ दे दूंगी। तो ये ऐसा ही होता है यार, पूजा पाठ के दिन मतलब कैसे टाइम निकल जाता है, सुबह से शाम कैसे हो जाता है ना, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो चलिए लंच की तैयारी हो गई है, लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस सारा काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से यहाँ पोछा करने के लिए। तो जहाँ कंचक खाई थी ना मैं वो सारा कुछ समेट रही थी तभी, और पोछा भी कर दी थी जो भी जूठा था वो सब उठा के, बट मेरा मन है कि नहीं एक बार मैं अच्छे से, उस टाइम में तो मैं हर बार में कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो अभी मैं जैसा सारा काम निपटा ली हूँ, टाइम था मेरे पास तो मैं सोच चलो अब इस काम को भी निपटा लिया जाए, तो अभी मैं अच्छे से यहाँ पोछा करूँगी। और मेरा मन ऐसा है ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब थोड़ा सा भी थोड़ा थोड़ा ना मतलब सबको खुंचाती थी ना कंचक को, तो थोड़ा बहुत छोटी छोटी बच्ची थी, थोड़ा थोड़ा गिर गया था, तो उस सबको मैं नहीं समेटी थी कि तुरंत नहीं समेटती, इसीलिए नहीं समेटी थी। तो वही समय यहाँ समेट रही हूँ और अच्छे से मैं यहाँ पोछा करूँगी। देखिए मतलब सारा काम निपटाने के बाद ना शांति से बोलते हैं ना घर की सफाई वो कर रही हूँ, तो घर में ऐसे नहीं छोड़ सकती, चाहे जो भी रूम हो कहीं भी मुझे गंदा दिखता है ना मुझे तुरंत क्लीन करना है। तो थक गई थी, टायर्ड होगी, थोड़ा खाई हूँ, रेस्ट करी हूँ, उसके बाद आ गई हूँ फिर से काम करने के लिए। और गाइस अब जाके फ्री हुई हूँ, आंटी भी काम करके गई और देखते देखते ना 6 बज गया, मतलब पूरा दिन आज का ना कैसे निकल गया पता नहीं, कितनी टायर्ड लग रही हूँ। खाया जा रहा है कर्ड, सो गाइस मैं आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ, तो दिया ये सब दिखा ली हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, पूरे दिन आज लगी हुई थी तो थोड़ा सा रेस्ट करने लगी, तो दिया ये सब दिखा ली हूँ। और क्या मंगाई हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से सिंपल खाना खा रहे थे, थोड़ा सा चटपटा खाने का मन हो रहा था, तो प्याज लहसुन तो खा ही रहे हैं और बाहर का खाना नहीं खाए हैं, इस बीच में घर का ही खाना चल रहा था। तो आज फाइनल पूजा पाठ ये सब हो गया है, और मैं क्या मंगाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत खाने का मन हो रहा था, सो चलो हस्बैंड को बोली तो बोले चलो ऑर्डर करते हैं।
तो दिखाती हूँ क्या मंगाई हूँ, क्योंकि कुछ चटपटा मतलब आज नौ दिन हो गया कुछ ऐसा चटपटा खाई नहीं थी, तो थोड़ा सा चटपटा खाने का मन हो रहा था, इसलिए हम ऑर्डर कर लिए हैं। सो गाइस, ये चिली पनीर हमने ऑर्डर किया है। 9 days एकदम सिंपल खाना खा खा के ना बोर हो गई थी, बोर। गाइस, मैं डिनर बना ली और मुझे याद नहीं रहा कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो डिनर मतलब कुछ तो मैं सुबह ही बनाई थी, जैसे खीर बनाई थी, चना का सब्जी बनाई थी, ये सब तो सुबह ही बनाई थी। और डिनर में अभी बना है बस पूरी। तो पूरी ये सब जब मैं बना रही हूँ, ये देखिए ये, तो जब मैं पूरी ये सब बना ली हूँ तब मुझे याद आया कि मैं ब्लॉगिंग कर रही थी और आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करी शाम का। तो ऐसे ही बैठ के बात बातें करने लगी थोड़ा सा ये, और उधर पंडाल लगा हुआ था वो सब देखने लगी, तो ज़्यादा कुछ मतलब शूट नहीं करी और मैं एक्चुअली भूल गई थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। सो गाइस, ये रहा आज का डिनर, चलिए कर देते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, इतनी रात हो गई फिर भी ये देखिए यहाँ जो बना है ये रावण दिख रहा है क्या, ये देखिए यहाँ होगा कल रावण दहन। ओह माय गॉड, कितना बड़ा बनाया है, एकदम घर के सामने जो ये पार्क है ना इसी में बना है, ये बालकनी के सामने जो है ना यहाँ इसमें। आज शाम को प्रोग्राम भी था यहाँ, बट मैं तो इतने टायर्ड हो गई थी ना जा नहीं पाई। देखा आप लोगों ने, यहाँ रावण को कल जलाया जाएगा, देखती हूँ अगर तो जाऊँगी। पास में ये सामने जो दिखता है ना ये वाली पार्क, उसी में लास्ट ईयर भी हुआ था। तो गाइस, चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड, और मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग।